जय जगन्नाथ। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुन के आपके जीवन का मूल्य बदल जाएगा। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछे, प्रभु ये बताइए जीवन का मूल्य क्या है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और एक छोटे से पत्थर को उनके हाथ में दिया और बोला, धरती लोक में जाओ और इस पत्थर का, एक चमकीला पत्थर सा था, वो पत्थर का मूल्य पूछ के आओ। तो नारद जी बोले, ये तो बहुत छोटी बात है। तो वो आए धरती पे, पहले एक फल फ्रूट वाले दुकान के पास पहुँचे, ने बोला कि ये पत्थर का मूल्य बताओ। तो उसने बोला कि हे महाराज, ये छोटा सा पत्थर है, ऐसा करिए आप एक दर्जन केला लीजिए या एक दर्जन संतरे ले लीजिए। तो नारद जी बोले ठीक है, फिर वो आगे चले गए। एक सब्जी वाले की दुकान के पास पहुँचे, सब्जी वाला देखा वो पत्थर को, उसे थोड़ा सा अच्छा सा चमकीला सा लगा। तो उसने क्या करा, बोला ऐसे करिए आप 5 किलो आलू ले लीजिए। तो नारद जी उसे सुन लिए और उसके बाद बोले, नहीं मुझे बेचना नहीं है, समझना था। तो फिर वो आगे और चले, एक सुनार के पास पहुँचे, सुनार ने उस पत्थर को देखा, फिर सुनार ने बोला ऐसा करो मुझे, मैं आपको ना 5 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, आप मुझे इसे दे दो। तो नारद जी बोले नहीं नहीं दूंगा। तो सुनार ने फिर बोला कि ऐसा करो आप उसे 10 रुपया और ले लो और मुझे पत्थर दे दो। नारद जी खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पूछना था, क्योंकि भगवान विष्णु ने बोला है इसका एक्चुअली क्या मूल्य है बताइए। उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि तुम इसका 50 स्वर्ण मुद्रा ले लो। नारद जी उठे और अपनी जान बचाते हुए दुकान से बाहर निकले। तो उसने चिल्ला के बोला, अरे कितना रेट लोगे, क्या प्राइस लोगे, ये तो बता दो और पत्थर दे जाओ। नारद जी आगे चले गए। नारद जी पहुंचे एक जौहरी के पास। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा, वो नीलम था, वो पत्थर को देखने के बाद उसने एक सफ़ेद कपड़ा रखा, उसके ऊपर पीला कपड़ा रख के उस पत्थर रखा, उसके चारों तरफ हाथ जोड़ के एक चक्र पूरा उसने परिक्रमा लगाया और बोला, इसका तो मोल भी नहीं है, तुझे कहाँ मिला, और ये जो पत्थर है इसको मैं इस पत्थर के बदले अपना पूरा दुकान बेच दूँ, अपना घर बेच दूँ, फिर भी इस पत्थर का मूल नहीं दे सकता। तो नारद जी को ये चीज़ समझनी थी, उन्होंने पत्थर लेके भगवान विष्णु के पास आए। आए बोले, प्रभु ये तो धरती लोक में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोग बता रहे हैं इसी पत्थर का, पर मेरे जिंदगी में, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि जीवन का मूल्य क्या है, उसका आंसर तो मिला नहीं मुझे। तो प्रभु ने फिर मुस्कुराए, बोले कि इसका आंसर तो आप खुद लेके आए हैं और वो पत्थर ने बता दिया। जो लोग, जो मनुष्य ये छोटी छोटी चीज़ों में, सांसारिक मोह माया में ढूंढता रहता है और उसी चीज़ों में अपने आप को खोता रहता है या उसी में खुशी ढूंढता रहता है, वो उस पत्थर का, उस जीवन का मूल्य को वैसे ही समझता है और उसका मूल्य वैसे ही लगाता है। जो मेरे शरण में आता है या आध्यात्म को पा लेता है और भक्ति मार्ग में चलता है, उसके लिए सब चीज़ें छोटी हैं, वो अनमोल है। तो जौहरी ने जैसे बताया जिंदगी का मोल अनमोल है, और जो सब्जी वाले ने बताया कि जीवन का मूल्य कुछ रुपए है, उसे कमा लें और उसे खो लें और उसी छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश रहें। अब आप इस स्टोरी से आप ये समझ सकते हैं कि जिंदगी या जीवन का मूल्य हम कैसे लगाते हैं, हम कैसे देखते हैं और हम उसको कैसे जीना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी अपने जीवन को
कैसे जी रहे हैं वो सोचिए और अपने अनमोल जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं और अगली बार कुछ और अच्छी स्टोरीज लेके आएंगे। जय जगन्नाथ।